10 बजे 10 शहर वेख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत अबोहर दलित कांड मामले की खबर के नाल। अबोहर कांड का मुद्दा हुण अदालत में पहुंच चुका है। तो एक पासे इस मामले दे विच जो पीड़ित परिवार है वह हाईकोर्ट पुजा है। तो हाईकोर्ट के उसने सुरक्षा की मांग की है। इसे मांग को लेकर अज हाईकोर्ट के सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले तो बाद लगातार धमकियां मिल रही ने। अपनी पटीशन के उन्होंने गल लिखी है, तो जिसनों लैके उन्होंने हाईकोर्ट के सुरक्षा की मांग को लेकर पटीशन पाई है। तो इस परिवार का कहना है कि जिहड़ी सुरक्षा है वो केंद्र सरकार मुहैया कराए, तो सूबे की पुलिस के उत्ते कितना कितने बेभरोसगी इस परिवार ने जताई है। तो दूजे पास इस मामले के मुख्य मुलजम शिवलाल डोडा दे वालों अगाऊ जमानत लई फाजिलका कोर्ट के अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी के उत्ते भी पटीशन के उत्ते भी अज सुनवाई होनी है। तो दस दिए कि डोडा दे वालों ये अर्जी बीते मंगलवार को दाखिल की गई सी। डोडा ने अपनी जमानत अर्जी के लिखा है कि वह एक सियासी हस्ती है, तो इस आधार के उत्ते उसकी इस जमानत अर्जी के उत्ते विचार किया जाना चाहिए है। हालांकि डोडा ने अपनी इस अर्जी के पार्टी का नाम लिखने तो गुरेज किया है। तो अबोहर कांड के पीड़ित परिवार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पटीशन पा के सुरक्षा की मांग की है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, इस परिवार ने पंजाब पुलिस के उत्ते बेभरोसगी जताई है, तो केंद्र के कोलों सुरक्षा की मांग की है। अबोहर कांड विच शुरू तो ही सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस इस ते हो रही सियासत तो बाद हुण मृतक भीम टांग का परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित परिवार मुताबिक डोडा परिवार तो उन्होंने जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सिर्फ यही नहीं, परिवार ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा लैन तो मना करते हुए केंद्र सरकार को सुरक्षा की मांग की है। भीम टांग डिसीज्ड है उनकी तरफ से, और एक जो कंप्लेनेंट है एफआईआर में गुरजंट के ब्रदर हैं जो रंजीत, उन तीनों की तरफ से एक पिटीशन फाइल करी है कि हम इनको लाइफ की थ्रेट है फ्रॉम द मेन अक्यूज्ड सुनील शिवलाल डोडा एंड अमित डोडा। तो उनकी तरफ से आज हमने पिटीशन फाइल करी है कि हमें हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रिस्पोंडेंट्स को कि सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वी आर सीकिंग बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, फ्रॉम दी सेंट्रल फोर्सेस, नॉट फ्रॉम दी पंजाब पुलिस, बिकॉज दी पंजाब पुलिस इज जस्ट अ टूल इन दी हैंड्स ऑफ दीज मेन अक्यूज्ड। उधर श्रोमणी अकाली दल ने परिवार को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिता है। नाल ही परिवार के अदालत जाने से अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट चंदू माजरा ने कहा है कि हर एक नूं जान दा अधिकार है। देखो परिवार को उदे ते पीड़ित परिवार को दुख होंदा और उन्हें महसूस भी होंदा भी उन्हें इंसाफ मिले, उन्होंने विश्वास रखना चाहिए पंजाब सरकार ते पंजाब दी मशीनरी ते। जे फिर भी विश्वास उन्होंने कोई इंसाफ ना मिले तो मतलब अदालतों के दरवाजे खुले ने, तो उन्होंने उन्होंने तसली कराना उन्होंने सैटिस्फैक्शन होनी बहुत जरूरी है। अबोहर कांड ने पंजाब की सियासत को पूरी तरह गरमाया होया है। यह मामला पार्लीमेंट में भी गूंजा सी, हुण अदालत के दरवाजे से पहुंच चुका है। अदालत वीरवार को भीम टांग के परिवार वालों सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील की सुनवाई करेगी। चंडीगढ़ तो नेहा सलारिया के नाल पंकज कपाही, जी मीडिया दिल्ली। अबोहर कांड के पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंच चुका है, अज इस मामले के उत्ते सुनवाई होनी है। वधेरे जानकारी जी मीडिया पत्रकार जगतार भुल्लर तो लवेंगे जो कि चंडीगढ़ तो साढ़े जुड़ गए हैं। जगतार, आखिर परिवार को हाईकोर्ट जाके सुरक्षा मंगने की की लोड़ पई, तो इस परिवार को आखिर डर किस दे कोलों है? हुण तक 19 मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं, की कुछ कहा है परिवार ने अपनी पटीशन दे विच? देखो साफ साफ शब्दों में उन्हें कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार खास करके पंजाब पुलिस से भरोसा नहीं है, क्योंकि जो शिवलाल डोडा है जो कह सकते जिसते हूँ तक कहा जा रहा है सारिया पार्टियां और पीड़ित परिवार भी दोष लगा रहे हैं कि शिवलाल डोडा मुख्य सरगना है, इस करके जी पहुँच हैगी बहुत दूर तक पंजाब सरकार वे वे लीडर के उन्होंने संबंध है, इस करके उस परिवार को जिस तरह उन्हें दोष लगाया है कि धमकियां मिल रही, दूजा परिवार दोने पीड़ित परिवार डर चुके हैं। जिस हिसाब के पंजाब पुलिस खास करके फाजिलका पुलिस का हूँ तक रोल है, तो शायद इस करके उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया है। और जिते पटीशन के अज कह सकते कि पंजाब के नाल भारत सरकार ने भी जवाब देना है, क्योंकि उन्हें मांग की हैगी कि पंजाब पुलिस से उन्होंने विश्वास नहीं भरोसा नहीं है, इस करके उन्होंने जी सिक्योरिटी है वो कोई सेंट्रल एजेंसी को दी जाए। तो अज जी कोर्ट सुनवाई हैगी और दोपहर तो बाद फैसला आ सकता है कि पंजाब सरकार की अपना पक्ष रखती है और केंद्र सरकार जिस तरीके लगातार परिवार को भरोसा दे रही है कि इंसाफ दवाया जाएगा, तो इस दौरान उही परिवार पंजाब सरकार के अधीन आँदी पुलिस के उत्ते बेभरोसगी जता है, तो इस लैके पंजाब सरकार की एक प्रतिक्रिया आ रही है। तो
परिवार का की कहना है कि अगे वो किस तरीके दे नाल इस पूरे मामले नूं लैके जाएगा। देखो तो पीड़ित परिवार तो हुण तक इंसाफ मांग रहा, हालांकि जिस तरह पंजाब पुलिस ने 19 जिहड़े इस केस दे विच लड़ींदे व्यक्ति से उन्होंने गिरफ्तार भी किया गया है। दूजे पासे शिवलाल डोडा की अज एंटीसपेटरी बेल आ, उहदे विच की फाजिलका पुलिस विरोध करती हैगी है कि शिवलाल डोडा जिस ते दोष लग रहे कोई मुख सरगना है उन्होंने अदालत फाजिलका पुलिस कहेगी कि सानू उन्होंने रिमांड की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करनी, इंटरोगेशन करनी है। तो कितने ना कितने इस करके जो भरोसा है लोग उन्होंने खास करके पीड़ित परिवारों का पंजाब पुलिस तो उठ चुका है, जिस करके उन्होंने दरवाजा खड़का पाया। हालांकि वार वार पंजाब सरकार ने पूरा भरोसा दिता है कि किसी भी तरह का उन्होंने खतरा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब के नाल परिवार डरे है दूसरा जिस हिसाब के नाल इस मुद्दे तो सियासत हो रही है, तो शायद इसे करके हुण जिहड़ा हाई कोर्ट का एक पहुँच की गई है, दस्तखत दी गई है कि सानू इंसाफ दिता जाए। जगतार की इस मामले एक यह भी गल सामने आ रही कि कितने कितने परिवार के उत्ते समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, कि कोई गल इस तरह की परिवार ने भी गल आखी है कोई? देखो फिलहाल इस तरह की कोशिश जरूर हो रही है जिस तरह पीड़ित परिवारों मनाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार खास करके बहुत डरे, चाहे जिसे भीम टांग की गल की जाए, जो हम जख्मी है जेरे लाज है गुरजंट सिंह है, सरकार कह सकते कि सीधे तौर पर जी इनवैल जी कह सकते इनवॉल्वमेंट नहीं आई कि समझौते के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन कितना कित जिस हिसाब के ना शिवलाल डोडा के संबंध आ गए तो लाजमी इदा दंसोवं भी आ रही है, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है कि कितने कितने इंसाफ मिले, अजिही कोई भरोसा दे मिल सके उन्होंने कि उन्होंने कोई पंजाब विच कोई खतरा नहीं, उन्होंने जान माल में कोई खतरा नहीं है। तो अज दोपहर तो बाद स्थिति क्लीयर होएगी, अगर उत्थे पुलिस फाजिलका पुलिस विरोध करती हैगी शिवलाल डोडा का कि उन्होंने जमानत ना मिले, शायद उस तो बाद जो पीड़ित परिवार आ पंजाब सरकार से भरोसा जता सकते, लेकिन हुण फाजिलका पुलिस की जिहड़े कह सकते कि भूमिका देखने वाली है कि किस जोर शोर दे नाल एंटीसपेटरी बेल दा विरोध कर दी है। जी जगतार बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी दे लई। सो कितना कितने परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है ते असुरक्षित महसूस कर रहा है परिवार, इसे लई उह हाई कोर्ट पुजे ने ते पंजाब पुलिस के उत्ते उन्होंने बेभरोसगी जाहिर की है ते केंद्र दे कोलों सुरक्षा की मांग की है। अगे वधदे आं, पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर तो प्रधानमंत्री मोदी नूं चिट्ठी लिखी है, ते इस बार उन्होंने अपनी चिट्ठी दे विच मोहाली दे विच बने कौमांतरी हवाई अड्डे का मुद्दा चुकया है, इस हवाई अड्डे के नाम को लेकर जो विवाद चल रहा है उस दे विच दखल की मांग की। मोहाली विच बने कौमांतरी हवाई अड्डे के नाम को लेकर विवाद लगातार जारी है, इस एयरपोर्ट के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार विच सहमति नहीं बन रही। हुण इस विवाद को खत्म करने लई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी है। अपनी चिट्ठी विच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस मामले विच दखल देन दी अपील कीती है तां जो इस विवाद नूं खत्म कीता जा सके। सीएम ने लिखा कि शहीद भगत सिंह दे नां ते एयरपोर्ट दा नां रखण दे लई देशव्यापी आम सहमति बनी है, इसे लई बिना किसे देरी दे शहीदे आजम दे नां ते एयरपोर्ट दा नां रख देना चाहिदा है। सीएम ने लिखा कि शहीद भगत सिंह पंजाब ही नहीं बल्कि देश दे हीरो ने। उन्हां लिखा कि सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा, सुखदेव अते राजगुरु देश दा सरमाया ने। सो अजिहे शहीदां दे नां ते विवाद पैदा नहीं होना चाहीदा। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे ते हो रही सियासत ते भी सवाल चुके ने अते इस नूं मंदभागा दस्सिया है। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री ने सितंबर महीने विच मोहाली च बने कौमांतरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया सी, पर उदों तों ही इसके नामकरण का मुद्दा लटकिया होया है। पंजाब सरकार एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाते रखना चाहती है, जबकि हरियाणा सरकार डॉक्टर मंगल सिंह के नाते एयरपोर्ट का नाम रखना चाहती है। इस रेड़के की वजह के नाल इस एयरपोर्ट तो कौमांतरी उड़ाना शुरू नहीं हो सकिया ने। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बड़ी मुड़ तो गल अबोहर कतलकांड की करांगे। इस मामले दे विच पुलिस ने चार होर मुलजम काबू किए ने, तिना दे विचों तीन नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि एक ने सरेंडर किया है। अबोहर कांड च मृतक भीम टाक नूं इंसाफ दिवाउण दी आवाज लगातार बुलंद हो रही है। दलित समाज एक बार फिर सड़कों के उतर के मुख्य मुलजम शिवलाल डोडा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है अते नाल ही यह चेतावनी भी दी जा रही है कि जदों तक सारे मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी उदों तक उन्हों का संघर्ष जारी रहेगा।
सैशन कोर्ट शिवलाल डोडा ने अगाऊं जमानत की अर्जी दी है। जिवें ही खबर फैली दलित समाज च रोस होर ज्यादा बढ़ गया। विरोध कर रहे लोगों का इल्जाम से कि पुलिस मुलजमान बचा रही है। उधर अकाली दल का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शिवलाल डोडा जिहड़ा रह गया उन्हें भी अरेस्ट करे ते उन्हें भी यकीन बनाया जाए ते किसी भी जिहड़े दोषी है उन्हें किसी को बख्शा ना जाए। SSP साहब की भूमिका का भी साड़ी एक लाइन पांच नंबर पर लिखा हुआ है भी तुहाड़ी भूमिका से सानू संदेह है, पर उन्होंने गल भी की इस बारे साढ़े नाल भी मैं तो तुहाड़ा सहयोग कर रहा, पर असीं उन्होंने दस्सिया भी किवें उस जिहड़े दोषी ने उन्होंने गड्डिया में पुलिस कर्मचारी उत्थे साढ़े नाल जदों मिले जदों भीम नूं असीं वापस लेके आ रहे सीगे। जो ग्रुपां दा आपसी झगड़ा उदे सरकार दा तां कोई लेना देना नहीं, सरकार वालों तो जतन है भी कोई दोषी जिहड़ा बचे ना और इहदी निरपक्ष जांच होवे और जिहड़े असली गुनाहगार ने उन्हां नूं किसी तरह बख्शा ना जावे। हंगामा वाधा वेख SSP ने मौके ते पहुंच के मुजाहराकारियों नूं भरोसा दे के शांत करवाया। नाल ही खुलासा भी कर दिता कि इस मामले च चार होर मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया। सानूं उस वेले सफलता मिली जदों असीं तीन मुख आरोपी ने जिहड़े सरविंदर पारी हैप्पी ते भीमा सी इन्हां नूं गिरफ्तार किया। इस तो अलावा एक होर मुलजम है जग्गू जिन्हें पुलिस को आके सरेंडर किया है और इन्हों अरैसट पा के इन्हें असं कोर्ट पेश करा और इंटरोगेशन करा। उसे दलित समाज मुख मुलजम गिरफ्तारी लैके प्रदर्शन कर रहा है। अजह च सवाल यह भी है कि पुलिस क्यों हूं तक शिवलाल डोडा गिरफ्तार नहीं कर सकी कि वाकई इस मामले च पुलिस की भूमिका से जो सवाल उठ रहे हैं उन्होंने कोई सच्चाई है। अबोहर तो सीन नागपाल नेहा सलारिया जी मीडिया चंडीगढ़। अबोहर कतलकांड मामले के उत्ते सियासत भी लगातार जारी है। हुण कांग्रेसी आगू जंगमीत बराड़ भी इस मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में पैदल मार्च कर जा रहे हैं। बराड़ इस मुद्दे जरिए जिथे सरकार को घेरे ने उत्थे ही कांग्रेस पार्टी विचले अपने विरोधियों से भी उन्होंने निशाना साध्या। अबोहर कतलकांड से पख रही सियासत में कांग्रेस के सीनियर आगू जगमीत सिंह बराड़ भी कुत पे ने। पीड़ित परिवार के नाल हमदर्दी जताउण अते दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग नूं लैके बराड़ मुक्तसर तो लैके मृतक भीमसैन के घर तक पैदल मार्च करनगे। भीमसैन के कतल नूं बराड़ ने जुल्म की अत दस्या है अते इसके खिलाफ 26 तो 28 दसंबर तक होने वाले पैदल मार्च विच पार्टी नूं लामबंद होने की अपील की है। मैं अपने फर्ज की पूर्ति लिए मुक्तसर साहब की पावन धरती तो 40 मुक्तियां की धरती तो असी इस यात्रा दे विच सारे इलाके दे मौजूद लोग सारी पार्टी नूं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हां कि सारी पार्टी इकट्ठी होके प्रोग्रामां दे विच शामिल। जगमीत बराड़ दे निशाने ते सिर्फ सूबा सरकार ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी दे ओ आगू भी ने जिन्हां ने मामले दे मुख मुलजम शिवलाल डोडा दे वारदात वाले दिन दिल्ली विच होण संबंधी बयान दित्ते ने। बराड़ ने कहा कि अजिहे बयान मुलजमां दी मदद करन दे बराबर ने। उन्हां दा जिहड़ा बयान हैगा वो बड़ा मैं समझदा कि एक ऐसा बयान है जिहदे नाल सारे कांग्रेस के वर्कर दे विच बहुत वड्डी सट लगी उन्होंने हिरदे नूं कि जिवें थैले चों बिल्ली बाहर आ जाती है। जिस प्रकार उन्होंने बयान दिता है वो शरेआम कल्प्रिट्स नूं सपोर्ट करन वाला है। जिहड़े एंटी दलित और गरीबां दे विरोधी लोग है उन्हां दी मदद करन वाला है, पैसे वालियां दी मदद करन वाला है। उधर मुख्यमंत्री दे सलाहकार बैंस ने दावा कीता है के सरकार ने इस मामले विच लोड़ींदे सारे कदम चुके ने। उन्हां बराड़ दे मार्च ते छुटकी लैंदिआं कहा कि ओह बराड़ साहब तो पुछणगे कि सरकार कानून दे दायरे विच रह के होर की कर सकदी है। मैं भी उन्होंने फोन कर लांगा मेरे दोस्त ने कि जे तुसीं कल कादे वास्ते तंग होंदे हो। वैसे साइकिल चलाना तो अपने आप फिटनेस वास्ते चंगी चीज़ है लेकिन जे प्रोटेस्ट ही कर रहे ने ते फिर मैं उन्होंने पुछ लांगा कि जे किहड़ी चीज़ ओह समझदे ने कि सरकार ने नहीं कीती ते ओह कीती जाणी चाहीदी है। बराड़ वालों कीता जाण वाला पैदल मार्च पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दवाउण विच किन्ना सहाई होवेगा इह भविख दी गोद विच है, पर बराड़ इस मार्च दे जरिए सूबा सरकार अते पार्टी विचले अपने विरोधियों नूं घेरदे जरूर नजर आ रहे ने। चंडीगढ़ तों नेहा सलारिया दे नाल जसविंदर बब्बर जी मीडिया मुक्तसर। मिशन 2017 दे लई सीनियर कांग्रेसी आगू रजिंदर कौर भट्ठल सरगर्म हो गए ने। मुख्यमंत्री बादल दे संगत दर्शन दी तर्ज दे उत्ते बीबी भट्ठल दे वलों भी लोगों नाल सीधा राबता बनाया जा रहा है, पर बीबी भट्ठल दे वलों अपने प्रोग्राम नूं संगत दर्शन की बजाय दुख दर्शन प्रोग्राम का नां दिता गया है। सीनियर कांग्रेस आगू ते पंजाब दी साबका मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्ठल वलों सजाए गए इस दरबार का नां दुख दर्शन रखा गया है।
मुख्यमंत्री बादल संगत दर्शन करते हैं तो मैडम भट्ठल दुख दर्शन कर रहे हैं। बीबी भट्ठल के मुताबिक मौजूदा सरकार तो सूबे का हर वर्ग दुखी है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚੰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਭੱਠਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ। VVIP ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ VVIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਦਿਰ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਖੜਾ ਦੀ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਕੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਬਲਮ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ ਉਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਬਰਾਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਾ ਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਕਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਕੋ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਲਨੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਮੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਏ, ਹਮਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪਾਂਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
करजे का बोझ हुण तक 35 तो वध किसानां नूं खुदकुशी करन नूं मजबूर कर चुकिया है। निर्वैर दे वड्डे भरा ने भी कर्ज दे बोझ करके खुदकुशी कर ली सी, पर लोकां दे मन विच गिला है कि सरकार ने कदे भी इस पिंड दी सुध नहीं लई, कदे कोई मुआवजा सरकार वल्लों नहीं दिता गया। गांव दी सार अज तक ना तां किसे प्रशासन ने ना सरकार ने अज तक नहीं लई, और इस गांव पाकां नूं जिहड़ा करजे दे दबा थल्लों कढ़िया जावे ते पिंड किसानां नूं खुशहाल कीता जावे। ओ साडा चेक उहने नहीं दित्ता, उस चेक ते साडे ते केस करता, उस साडी जमीन आण के वाली। मेरा पुत उस गल दे विच मर गया, 10 दिन मेरा पुत अंदरों नहीं निकलिया। आपनी आत्महत्या कीती है आड़ती दे दुख, उहदे पैसे दे चुका सी जमीन उहने दी वाली ते फिर उहदे ते केस कीता। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਵਜੇ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।